नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः स्वागत करता हूं आपका उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक संगठन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे सुमेरियन सभ्यता के आर्थिक संगठन के बारे में, उसके आर्थिक पक्ष के बारे में कि क्यों सुमेरियन विश्व की एक महत्वपूर्ण सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता की नींव के तौर पर दिखाई पड़ती है और क्या वजह थी कि यह सभ्यता विश्व की एक महत्वपूर्ण सभ्यता के तौर पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि किसी भी सभ्यता के निर्माण में उसके आर्थिक पक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो क्षेत्र जितना ज़्यादा आर्थिक संपन्न होता है वहाँ पर सभ्यता का विकास होने में बहुत अधिक क्या कहें सुविधा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अगर हम सुमेरियन सभ्यता को देखें तो सबसे पहले हमें उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होगा कि ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसके कारण वहाँ पर एक विशाल सभ्यता निर्मित हो पाई उस क्षेत्र में। तो आप रिवाइंड करिए एक बार उस लेक्चर को जब हम लोग इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को देख रहे थे। मैंने बताया था कि सुमेरिया सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम चरण की सभ्यता है और एक ऐसे भूभाग में स्थित है जहाँ पर हमें वो सारी फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त हो जाती हैं, वहाँ जहाँ पर वो सारी माकूल परिस्थितियाँ थी, जहाँ पर उपज के संसाधन थे, जलमार्गों की स्थिति थी, क्योंकि उस दौरान ज़्यादातर जो मूवमेंट था वो जलमार्गों से हुआ करता था, उसके लिए वो पूरी माकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न थीं। साथ ही साथ जो व्यापार वाणिज्य के और भी घटक थे वो वहाँ पर उपलब्ध थे। तो उन सारी परिस्थितियों के होने के कारण सुमेरियन सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है और वही एक न्यू प्रदान करती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को विश्व की एक महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन के रूप में स्थापित करने में। क्योंकि अगर हम देखें तो दजला फरात जो दो प्रमुख नदियाँ हैं उनके उनके आसपास मतलब उनके जो मध्य भाग है उसका जो क्षेत्र था वही मेसोपोटामिया सभ्यता के तौर पर या मेसोपोटामिया जब वर्डों को आप डिवीज़न करें तो आप देखें तो ये दो ऐसे शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसो मतलब मध्य, पोटामिया मतलब उर्वर क्षेत्र। तो ये जो दजला और फरात इन दोनों नदियों के मध्य का जो उर्वर क्षेत्र था वहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ है। और मैंने कई बार एक वर्ड नाम लिया है अर्धचंद्र उर्वर क्षेत्र। तो एक तरीके से ये ऐसे दो नदियाँ एक अर्धचंद्र उर्वर क्षेत्र का निर्माण करती हैं और इसी क्षेत्र में हमें सिविलाइजेशन दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो बॉबिलोनियन सिविलाइजेशन हो, या बात की कैल्डियन सिविलाइजेशन हो, आशीरियन इसके बाहर की सिविलाइजेशन है। तो इस अर्धचंद्र उर्वर क्षेत्र में ही हमें सुमेरियन सभ्यता दिखाई पड़ती है। उसका कारण क्या है, जब आप कारणों को देखने में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कारण वही है जो मिस्र की सभ्यता की उत्पत्ति के पीछे है। क्या कारण है, मिस्र की सभ्यता में जैसे नील नदी मिस्र के लिए एक वरदान स्थापित हुई या एक वरदान के तौर पर जानी जाती है, वैसे ही मेसोपोटामिया में दजला और फरात की नदियाँ इसके लिए वरदान साबित हुई, इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया और ये विश्व के कुछ उन प्राचीनतम क्षेत्रों में है जहाँ पर कृषि का कार्य सबसे पहले किया गया था, क्योंकि ये एक उर्वर क्षेत्र था और इसी उर्वर क्षेत्र पर इस सभ्यता का विकास हुआ। और स्वेन नामक एक इतिहासकार है, उनका ये मानना था कि दजला फरात घाटी के निवासी दजला फरात घाटी के जो निवासी हैं उनके लिए दजला फरात नदी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नील नदी घाटी के लोगों के लिए नील नदी। अर्थात ये वैसे ही उपज वाले क्षेत्र का निर्माण करती है जैसा कि मिस्र में नील नदी। तो वो सारी सुख सुविधाएँ उर्वर क्षेत्र यहाँ पर मुहैया करवाती हैं। नवपाषाण काल से भी यहाँ कृषि का कार्य प्रारंभ हो चुका था, कृषि के लिए वो सारी माकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न थी नदी घाटी में और वहाँ से कृषि कर्म आगे बढ़ता है। और बढ़ने के साथ जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि जब कृषि कर्म का अधिक होना हो जाता है, अधिक उत्पादन हो जाता है, अधिशेष उत्पादन होने लगता है, तो वो सारा अधिशेष उत्पादन व्यापार की तरफ आगे बढ़ता है और जब व्यापार
होने लगता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं कृषि के इतर जो कि इससे जुड़े हुए हैं, जो कि उद्योग धंधों के तौर पे स्थापित हो जाते हैं। तो जहाँ पर कृषि बेहतर होने लगती है, व्यापार होने लगता है, उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, धीरे धीरे वो सभ्यता के तौर पर इस्टेब्लिश होने लगता है। तो वैसा ही कुछ सुमेरियन सभ्यता के साथ भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जब कृषि कार्य हो रहा था, उत्पादन हो रहा था, और वो जो ज्योग्राफी थी वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, एक तो दो नदियों के बीच का भाग, साथ ही साथ ये जो नदियाँ थीं वो ना सिर्फ उपज के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि ये नदियाँ व्यापारिक मार्गों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थीं। और हाँ, एक और चीज़ जो कि सुबेरियन के संदर्भ में हम कह सकते हैं, वो ये कि यहाँ पर सिंचाई की वो सारी माकूल परिस्थितियाँ या सारी व्यवस्थाएँ दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर नहरें भी बनाई गई थीं जो कि जाल की तरह पूरे सुमेरिया में फैली हुई थी, और उन नदियों से कृषि कार्य में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती थी, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ना स्वाभाविक सा दिखाई पड़ता। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, और जो नदियाँ कृषि और सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, यही नदियाँ जो है व्यापारिक मार्गों के तौर पे भी स्थापित होती हैं। यहाँ से आसानी से जो है नावों के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। इसके अलावा दजला फरात के अलावा यहाँ पर फारस की खाड़ी थी, जो कि विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। जैसा कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था, तो उस व्यापारिक संबंध के स्थापित होने में इस फारस की खाड़ी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि यहीं से बड़े बड़े जहाज सिंधु की तरफ, मेलुआ क्षेत्र की तरफ मूव करते थे। इसके अलावा भी मिस्र के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक सारी परिस्थितियाँ और यही जो व्यापारिक संबंध थे, इसी वजह से ये सुमेरियन सभ्यता एक आर्थिक संपन्न सभ्यता के तौर पर दिखाई पड़ती है। तो तीन प्रमुख इनकी आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख स्तंभ थे, जिनकी वजह से ये सभ्यता एक आर्थिक संपन्न और सुव्यवस्थित सभ्यता के तौर पर विश्व में स्थापित है। कौन कौन से? कृषि कर्म, उद्योग धंधे, और व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके के व्यापार। ये तीन प्रमुख तत्व थे जिनके कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है। और सुमेरियन जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि परक थी, कृषि उसका मूल आधार था, वहीं से ये आर्थिक व्यवस्था की बहाली होती है, मतलब आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, भूमि की उर्वरता, सिंचाई की विधियों का आविष्कार, साथ ही साथ सुमेरियन जो लोग थे उनका कठोर परिश्रम, एक यहाँ पर एक आर्थिक संपन्न सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इनकी वजह से ही यहाँ पर हरियाली दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कृषि के विकास में और कृषि कार्य करने में यहाँ पे हल के प्रयोग के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। हेनरी लूकस ऐसा मानते थे कि ये एक कृषि प्रधान या कृषि कार्य को करने में हल प्रधान संस्कृति थी, और संभवतः नवपाषाण काल से ही यहाँ पे कुदाल का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाने लगा था, और इसी की वजह से सक्रियता बढ़ी, आगे चल के हल का प्रयोग किया जाने लगा। और जो भूमि थी कृषि करने के लिए, उन भूमि पर ज़्यादातर नगर शासकों, मंदिर तथा सैन्य अधिकारियों का जो है स्वामित्व हुआ करता था, किंतु इस पे जो काम करने वाले लोग थे वह ज़्यादातर खेती में काश्तकारी या लगनधारी लोग थे, और साथ ही साथ दास थे जो कि मिलकर के कृषि का कार्य करते थे। सुमेरियन आर्थिक गठन में मंदिरों का बहुत विशेष दखल था, और ये जो मंदिर थे यही जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार थे, केंद्र थे, जहाँ से ये सारी अर्थव्यवस्था की देखरेख की जाती थी। वास्तव में जो मंदिर थे, मंदिरों के अधिकार में प्राप्त कृषि योग्य भूमि रहती थी, किंतु ये संपूर्ण कृषि योग्य भूमि का केवल 16.5% ही प्रयोग में लाया जाता था। तो सुमेरियन आर्थिक गठन दो रूप से, प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक तो कृषि योग्य भूमि
जो मंदिरों की संपत्ति थी और दूसरा राज्य की संपत्ति थी। तो दो तरीके से, एक मंदिरों की संपत्ति और राज्य की संपत्ति के तौर पे कृषि का कार्य किया जा रहा था। और इसके अलावा व्यक्तिगत भूमि भी थी जिसमें मंदिर और राज्य का कोई वर्चस्व नहीं था। जो लोग शक्ति संपन्न थे, जो जमींदार लोग थे, वो व्यक्तिगत कृषि भी कर रहे थे दासों के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन कौन सी फसल है जो कि उत्पादित की जा रही थी, तो यहाँ पर गेहूँ, जौ, तिल, मटर और खजूर की खेती प्रमुख रूप से की जा रही थी, जिसमें कि जौ प्रमुख खाद्यान्न था जो कि उत्पादित किया जा रहा था। और इसके अतिरिक्त मंदिरों में बगीचों का भी निर्माण किया जा रहा था, यहाँ से अन्न उत्पादन होता था और अन्न उत्पादन के प्रमुख केंद्र गांव हुआ करते थे। जैसा कि हम सभी सामान्यतः जानते हैं कि कभी भी शहर जो है वो कृषि का प्रमुख केंद्र नहीं होता है, गांव प्रमुख केंद्र होते हैं। क्योंकि अगर शहर प्रमुख केंद्र होने लगता है तो परिभाषाएं बदल जाती हैं, क्योंकि शहरों को मुख्यतः हम व्यापार वाणिज्य से जानते हैं और गांवों को कृषि के रूप में जानते हैं। शहरों के पास वो कृषि लायक भूमि नहीं होती है, वहाँ पर व्यापार वाणिज्य में उद्योग धंधे होते हैं, और गांव में कृषि लायक भूमि होती है जहाँ से कृषि का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो पुरोहित हुआ करते थे वो इन जो वस्तुएं थी अनाज से उत्पादित, उन पर उनका अधिकार होता था और इस आर्थिक गठन में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। एक इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो धर्म पर प्रभावित थी। धर्म का उस पर ज़्यादा आक्षेप था, धर्म उसको अपने पास बना करके रखा था। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता में कुछ ऐसी भी जानकारी मिलती है जो इनकी कृषि व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी देती है, जैसे कि कृषि योग्य भूमि की पैमाइश की जाती थी, बीज एवं उत्पादन से संबंधित किताबों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और मंदिरों के पास कितनी जमीन है उसका सही आंकड़ा भी वहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कृषि के साथ साथ एक और चीज़ है जो कि जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, वो है पशुपालन। कृषि हो रही है तो पशुपालन भी एक बहुत प्रमुख चीज़ है जो कि कृषि के साथ दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर पशुपालन हो रहा था, सुमेरियन सभ्यता लोगों के लिए एक अच्छी आमदनी का साधन भी था पशुपालन, और मुख्य रूप से गाय, बैल और भैंस, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि जानवरों को यहाँ पे पाला जा रहा था। गाय को यहाँ पे देवी के रूप में स्वीकार किया गया था। मंदिरों के अधिकार में बड़ी संख्या में पशु होते थे। इसके अलावा पशुशालाएं एवं चरने के लिए चारागाहों की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की जाती थी। पशु चारकों का एक अलग पृथक ग्रुप था। और एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि पशु चारकों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है माइग्रेशन, एक स्थान से चीज़ों को ले जा करके दूसरे स्थान तक, क्योंकि ये ऐसी प्रजाति है जो कि माइग्रेट करती रहती है, और जब माइग्रेट करती है तो कभी कभी बहुत दूरस्थ क्षेत्रों तक ये लोग जाते हैं, और जाने के बाद जो है उनको एक दूसरी संस्कृति या सिविलाइजेशन को स्थापित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। कभी इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे जानवरों को ये पाल रहे थे। इसके अलावा घर में रखवाली के लिए कुत्तों को भी पाला जाता था, जैसा कि सामान्यतः आज भी है, और मछली पालन पालन का धंधा भी होता था। विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्रों से भी ऐसी जानकारी मिलती है। दुग्ध उद्योग का कार्य भी किया जा रहा था, और उर के समीप, उर एक नगर है वहाँ का, वहाँ पर एक मंदिर में जो है दुग्ध उद्योग के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कुछ दुधारू पशुओं को पालने के भी साक्ष्य मिलते हैं। बैलों का उपयोग भी हो रहा था कृषि के कार्य में भी, और साथ साथ पहियों गाड़ी को खींचने के लिए भी, मतलब बैलगाड़ी को खींचने के लिए भी उनका कार्य हो रहा था। इसके अलावा भेड़ों का जो प्रयोग है वो ऊन निकालने के लिए भी किया जा रहा था वस्त्र निर्माण हेतु, और साथ ही साथ खाल भी ये लोग निकाल करके कार्य कर रहे थे। तो ये पशुपालन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था इनकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में। इसके अलावा उद्योग धंधों की जब हम बात करें, तो क्योंकि कृषि कर्म और पशुपालन भाई इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, लेकिन
उद्योग धंधे और व्यवसायों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत रूप प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर भी उद्योग धंधों में भी मंदिरों का ही नियंत्रण दिखाई पड़ता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यहाँ बनाई जा रही थी और उन वस्तुओं को बाहर भी भेजा जा रहा था, साथ ही साथ आंतरिक रूप से भी उनको उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, लेन देन की प्रक्रिया चल रही थी। जैसे कि धातु उद्योग बहुत प्रमुख था, वस्त्र उद्योग और गाड़ी बनाने का उद्योग। कौन कौन सा? धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, और गाड़ी बनाने का उद्योग। गाड़ी बनाने का उद्योग यहाँ पर प्रमुख रूप से स्टैब्लिश था। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन के भी बहुत सारे वस्तुएं थी, सौंदर्य प्रसाधन की भी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा रही थी। तो वो सारी चीज़ें उद्योग के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारे खाल से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा रही थी, वस्त्रों के निर्माण किए जा रहे थे जिसमें ऊन का प्रयोग करके वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा था। गाड़ी के पहिए बनाए जा रहे थे लकड़ी के, गाड़ी बनाने के लिए। और इसके अलावा रोटी बनाने, शराब बनाने और बर्तन बनाने का व्यवसाय भी यहाँ पे प्रमुख रूप से प्रचलित दिखाई पड़ता है। चमड़े की वस्तुओं को भी, तांबे की वस्तुओं को भी यहाँ पर प्रमुख रूप से बनाया जा रहा था। तो उद्योग धंधे बहुत उन्नत स्थिति में थे यहाँ के। इसके अलावा जब हम व्यापार वाणिज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कृषि और पशुपालन और उद्योग धंधों के अलावा व्यापार का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था। और जहाँ पर कृषि संपन्न जो सभ्यता होती है वो सारी माकूल परिस्थितियाँ दे देती हैं, क्योंकि व्यापार वाणिज्य तभी हो पाएगा जब अच्छा उत्पादन होगा। जब उत्पादित वस्तुएं होंगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उस उत्पादित वस्तु को कहीं ना कहीं हम भेजेंगे और वहाँ से दूसरी वस्तुओं को लेंगे। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, कच्चा माल बाहर जा रहा था और जो कि व्यापार में भूमिका निभा रहा था, जिसमें अनाज था, बहुत सारी आयातित वस्तुएं जिसपे तांबा था, चांदी था, सोना था, सीसा और इमारती लकड़ियां सम्मिलित थी। और इनको, जैसा कि हमने बताया था कि व्यापारिक मार्ग पारस की खाड़ी होने की वजह से वो सारी माकूल परिस्थितियां यहाँ पर थीं और जो व्यापारिक गतिविधियां थी और उसके लिए राज्य की संरक्षण भी प्राप्त था ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। और बिल, रसीद, नोट, जमा, ऋण, ब्याज, व्यापारिक पत्र इत्यादि का प्रयोग ये लोग करते थे ताकि व्यापार भलीभांति चलता रहे। और अनुबंध भी होता था, हस्ताक्षर होते थे, लिपिबद्ध अनुबंध होता था और कोई व्यक्ति अगर अनुबंध को तोड़ता था तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी था। इसके अलावा सुमेरियन जो थे वो मिश्र से, सिंधु घाटी से और एशिया माइनर के विभिन्न सभ्यताओं से व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे। व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय के द्वारा भी हो रहा था और सारगोन जो काल था वहाँ पर सार्वभौमिक प्रगति दिखाई पड़ती है व्यापार वाणिज्य में, क्योंकि सारगोन के काल में ही सिंधु सभ्यता के लोगों के साथ इनके व्यापारिक संबंध पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुके थे। उसके संदर्भ में हमें साक्ष्य मिलती हैं, बेलन की कुछ मोरें यहाँ से मिली हैं उर्ग और किश और सप्पर से, जिस बात को बताती हैं कि व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही थी उनमें बाद में सारगोन के काल में सोने और चांदी की छड़ों का प्रयोग भी किया जाने लगता है, जिसको हम सकिल बोलते हैं, सकिल वर्ड आ जाता है जिसका प्रयोग किया जाने लगा। एक तरीके से ये एक मानक हो जाता है, मात्रक हो जाता है जिसका प्रयोग किया जाने लगता है। और ओल्ड टेस्टामेंट से इसकी जानकारी हमें मिलती है और एक जगह लिखा है कि इब्राहिम द्वारा 400 सेकल चांदी से एक गुहा खरीदने का वर्णन हमें ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। और अनुमानता फारसी मुद्रा सिग्लोई का जो स्रोत है वो सुमेरियन सिकेल ही है। सिकेल से ही आगे चल के फारसी मुद्रा सिग्लोई का निर्माण होता है और बाद में सिक्कों का प्रचलन बढ़ता चला जाता है
और उर के तृतीय राजवंश में जो है इसको देखने को मिलता है। विल ड्यूरेन के अनुसार यहाँ पर ब्याज भी लिया जाता था, ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, और तृतीय वंश राजवंश में 33.12% ब्याज की दर दिखाई पड़ती है। विल ड्यूरेंट जो कि एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनका ऐसा मानना था कि ब्याज की दर किसी भी समाज की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है ब्याज की दर से, और हम ये कह सकते हैं कि सुमेरियन व्यापारी एक अनिश्चित एवं असुरक्षित आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण में रहते थे, लगातार ब्याज की दर बढ़ जा रही थी। तो इस तरीके से हम इनकी आर्थिक स्थिति को समझते हैं विभिन्न पहलुओं से, कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थे, और जिसकी वजह से सभ्यता बाद में सुव्यवस्थित दिखाई पड़ती, बहुत सारे निर्माण भी हुए, और इसी का बाद में प्रतिरूप हमें बेबुलोनिया में मिलता है। और यही वजह थी कि अशीरियंस लोग लगातार जो है इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली क्षेत्र था, जिसकी वजह से वो सारी माकूल परिस्थितियाँ थी जो कि किसी भी सभ्यता को एक आर्थिक समृद्ध सभ्यता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग सुमेरियन धर्म के बारे में बात करेंगे, उसके सांस्कृतिक पक्ष के बारे में बात करेंगे, जिसमें धर्म एवं बौद्धिक उपलब्धियाँ आती हैं, कला भी उसके अंतर्गत आती है कि किस प्रकार की कला थी, बौद्धिक उपलब्धियाँ क्या थी और उसका धार्मिक स्वरूप क्या था। तो धन्यवाद, अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मुलाकात होगी।